हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB BFM यूनिट 17 ट्रेजरी प्रोडक्ट्स को। दोस्तों, इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, मनी मार्केट प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट प्रोजेक्ट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट लेके आए हैं जिससे आपको इजीली ये रिमेंबर हो जाए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी डिस्कशन करने से चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी दोस्तों, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो भी वीडियो हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, और अगर ये आपको अच्छे लगे तो हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला है मनी मार्केट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मनी मार्केट प्रोडक्ट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीन तरह के प्रोडक्ट हैं। पहला कॉल मनी, दूसरा नोटिस मनी एंड तीसरा टर्म मनी। तो दोस्तों, ये कॉल मनी क्या होता है? क्या कॉल मनी होता है दोस्तों? जो ओवरनाइट के लिए फंड का मैनेजमेंट होता है दोस्तों, मतलब एक रात के लिए, आज लिया और कल उसको वापस करना है। तो ऐसे फंड को, ऐसे पैसे को कॉल मनी कहते हैं दोस्तों। ये बोरोइंग में से भी हो सकता है और लेंडिंग भी हो सकता है। जिसके पास एक्सेस मनी है दोस्तों, वो इसको लेंडिंग में डाल सकता है, और जिसके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है वो बारो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ओवरनाइट मिबोर, मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है दोस्तों, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। इट इज़ ए इंटरबैंक मार्केट। ये दोस्तों, इस मनी मार्केट में जो बैंक हैं ये आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है दोस्तों। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं दोस्तों? तो बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइमरी डीलर एंड कोऑपरेटिव बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है दोस्तों, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो बैंक कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर कर सकते हैं और कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या है दोस्तों? नोटिस मनी वो है जब हम फंड को 2 दिन से 14 दिन के लिए, 2 दिन से 14 दिन के लिए बारो या लैंड कर रहे हैं दोस्तों, तो उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं दोस्तों। मनी मार्केट में अगर बैंक को 2 दिन से 14 दिन के लिए फंड की ज़रूरत है या लैंडिंग कर रहा है, तो मनी नोटिस मनी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, और सारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम कॉल मनी के जैसे ही हैं। ठीक है दोस्तों, ओवरनाइट मिबोर उसमें लगता था, इसमें केवल मिबोर लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंटरबैंक मार्केट, ये भी इंटरबैंक मार्केट, जो पार्टिसिपेंट हैं वही दोस्तों, बैंक, प्राइमरी डीलर एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल इसमें देना है जो ओवरनाइट मिबोर लग रहा था, वहाँ ओवरनाइट लाइन लग के ये नोटिस मनी का मिबोर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला होता है टर्म मनी। टर्म मनी होता है दोस्तों, मान लिया कि हमें बैंकों को 14 डेज से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन 1 साल से कम, तो 15 डेज से 1 साल तक के लिए जिस पैसे का फंड का प्लेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टर्म मनी। ठीक है दोस्तों, ये इंटरबैंक बिजनेस है, ये सब आप जान ही रहे हैं, और सारी चीज़ें कॉल मनी और नोटिस के मनी के जैसे ही हैं। ठीक है दोस्तों, मनी मार्केट में 7 दिन से 1 साल तक के लिए, सॉरी दोस्तों, 1 दिन से 0 दिन से लिए, ऐसा बोल सकते हैं, 1 दिन से 1 साल तक के लिए पैसे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इनका प्रूडेंशियल लिमिट क्या है दोस्तों। ये जो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी है दोस्तों, मतलब मनी मार्केट में ये जो बैंक्स हैं कैसे इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और इनका प्रूडेंशियल लिमिट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये कितना बारो कर सकता है मनी मार्केट में? तो बारोइंग कितना करेगी दोस्तों? बैंक्स आर अलाउड टू बारो मैक्सिमम 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड, मतलब जो टायर 1 टायर 2 का जो फंड है उसका 125% ये लोग बारो
कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक दिन के लिए, किसी भी दिन 125% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एवरेज अगर दोस्तों, एवरेज अगर फोर्टनाइटली देखेंगे तो 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने एक दिन 125% बारो किया है, दूसरे दिन उसको आप 75% करेंगे तभी तो एवरेज 100 आएगा। तो किसी एक दिन 125% से ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी एक दिन। लेकिन एवरेज अगर फोर्टनाइटली देखेंगे तो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है लैंडिंग कैसे करते हैं। तो लैंडिंग दोस्तों, शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने कैपिटल का एवरेज 25% करते हैं और एनी डे 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक का देखते हैं। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक बोरोइंग कितना करते हैं दोस्तों, ऑन अ डेली बेसिस शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ मार्च। मतलब जो अभी प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर गया जो मार्च में, उसके एग्रीगेट डिपॉजिट के 2% से ज़्यादा ये लोग बारो नहीं कर सकते। कौन? कोऑपरेटिव बैंक। और इनका लैंडिंग कैपेसिटी क्या है? कोई लिमिट नहीं दी गई। ठीक है दोस्तों, अब आता है प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्राइमरी डीलर्स जो हैं कितना बारो कर सकते हैं? ऑन डेली एवरेज बेसिस इन ए रिपोर्टिंग फोर्टनाइटली अप टू 225%। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, 225% ऑफ देयर नेट ओन फंड, NOF बोलते हैं, नेट ओन फंड का 225% ये लोग बारो कर सकते हैं। और दोस्तों लैंडिंग कितना कर सकते हैं? 25% ऑफ देयर NOF। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक बारोइंग 125% किसी भी दिन और एवरेज 100%। कोऑपरेटिव बैंक प्रीवियस ईयर मार्च के डिपॉजिट, एग्रीगेट डिपॉजिट का 2%। और प्राइमरी डीलर 225% ऑफ NOF। ठीक है, उसके बाद आता है लैंडिंग। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक 25% ऑफ कैपिटल एवरेज में और एट एनी डे 50% ऑफ कैपिटल ले सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक की कोई लिमिट नहीं है। और प्राइमरी डीलर जो है 25% ऑफ देयर NOF कर सकते हैं लैंडिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अगला प्रोडक्ट है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इशू कौन करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है थ्रू RBI। ठीक है दोस्तों, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है RBI के थ्रू। इसका प्री डिटरमाइंड अमाउंट पे, मतलब पहले से ही डिसाइड होता है इसका अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तीन टाइप के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। तीन तरह के, 91, 182, 364। इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कॉरपोरेट, बैंक एंड अदर बिजनेस एंटिटी। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये इशू कब कब होता है दोस्तों? ये 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, ये वीकली होता है और एवरी वेडनेसडे होता है, वीकली एवरी वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, और 182 डेज का कब होता है? फोर्टनाइटली वेडनेसडे प्रिसीडिंग द नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। ये फोर्टनाइटली वेडनेसडे को ही होगा, लेकिन जो नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे है उससे पहले वाले वेडनेसडे को। ठीक है दोस्तों, अगला है 364 डेज ट्रेजरी बिल। ये कब होता है? ये भी फोर्टनाइटली वेडनेसडे होता है, लेकिन प्रिसीडिंग रिपोर्टिंग फ्राइडे, जो रिपोर्टिंग फ्राइडे वाला वेडनेसडे उसके पहले होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हो गया, 91 डेज, 182 डेज एंड 360 डेज, 364 डेज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजरी प्रोडक्ट है। इसको इशू करते हैं कॉरपोरेट्स। अब मिनिमम पीरियड 7 दिन से मैक्सिमम 1 साल तक कॉरपोरेट इशू करते हैं, 7 दिन से 1 साल तक। कौन इशू करता है? जिस कंपनी का क्रेडिट रेटिंग A3, मिनिमम A3 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और टेंजिबल नेटवर्थ कंपनी का 4 करोड़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 4 करोड़। मिनिमम अमाउंट 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल। कमर्शियल पेपर का मिनिमम अमाउंट क्या है? 5 लाख या इसके मल्टीपल में इशू होता है। कमर्शियल पेपर इज टू बी इशूड थ्रू एन IPA के थ्रू ये इशू किया जाता है। और ये इशूइंग एंड पेइंग अथॉरिटी होता कौन?
एक बैंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सी पी कैन बी बाइंग बैक बाई इशूअर बिफोर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले भी इसे बाई बैक किया जा सकता है। बाई बैक सेल बी थ्रो सेकेंडरी मार्केट, ये जो बाई बैक है दोस्तों ये प्राइमरी मार्केट थ्रू नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किया जा सकता है। शुड नॉट बी बाई बैक बिफोर 7 days, जो इसका मिनिमम पीरियड है 7 days, उसके पहले इसको बाई बैक नहीं किया, 7 दिन के बाद कभी भी इसको बाई बैक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है आपका कमर्शियल पेपर। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यह है दोस्तों सिमिलर टू कमर्शियल पेपर ही होता है, लेकिन इसे इशू कौन करता है दोस्तों, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और कैसे इशू करते हैं, जो डिपॉजिट आपकी फंड डिपॉजिट रहेगी उसी के अगेंस्ट में इसको इशू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिनिमम अमाउंट 1 लाख है एंड इसके मल्टीपल में भी हो सकता है। बैंक कैन इशू मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, बैंक जो है मिनिमम 7 दिन से 1 साल तक कर सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 1 year to 3 year करते हैं। ये बहुत क्लियर हो जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना छोटा सा माइनर डिफरेंसेस पूछते हैं। तो बैंक कितने दिन का इशू करता है, 7 दिन से 1 साल, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 1 दिन से 3 साल। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।